अपने विस्तारवादी नीति के अंतर्गत चीन को आखिर एक बड़ी सफलता मिली गई। चीन ने हांगकांग में सफलतापूर्वक अपने तथाकथित सुरक्षा कानून को लागू कर दिया है, जिसकी दुनिया भर में आलोचना की जा रही है। हांगकांग भी अब चीन के ही किसी अन्य हिस्से के समान बन गया है, जहां सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियां प्रतिबंधित हो चुकी है। अगर आप जिनपिंग की सरकार के मर्जी के बिना सड़क पर निकले भी, तो आपको आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इस बीच हांगकांग की सीईओ कैरी लैम बड़ी ही बेशर्मी से इस कानून की तारीफ कर जिनपिंग सरकार का बचाव कर रही है। कैरी के मुताबिक ये कानून हांगकांग के लोगों की भलाई के लिए ही लाया गया है। हांगकांग की सीईओ का खुद का परिवार तो ब्रिटेन में रहता है और वहाँ लोकतंत्र का आनंद लेता है, लेकिन वह हांगकांग के लाखों लोगों को कैद में रखना चाहती हैं। हांगकांग की सीईओ के होने के नाते उनसे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि वह अपने लोगों के लिए खड़ी होंगी, लेकिन इसके ठीक उलट उन्होंने सीसीपी सरकार की चाटुकारिता करनी शुरू कर दी। सुरक्षा कानून की तारीफ में उन्होंने ऐसे पुल बांधे जो शायद स्वयं जिनपिंग भी ना बांध पाए। कैरी लैम ने एक बयान जारी कर सुरक्षा कानून के मामले पर कहा, हांगकांग चीन लोक गणराज्य का अभिन्न अंग है। जहां उच्च स्तरीय स्वशासन होता है, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा करना हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने मौजूद खतरा दिन ब दिन लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्र स्तरीय सुरक्षा कानून बनाया, जिसकी बड़ी आवश्यकता है। इस कानून का पारित होना एक देश दो व्यवस्थाएं प्रणाली की संपूर्णता का महत्वपूर्ण कदम है, जिसे हांगकांग समाज में शीघ्र ही स्थिरता की बहाली के लिए मददगार सिद्ध होगा। इस बयान को पढ़कर समझा जा सकता है कि असल में कैरी लैम कोई नेता नहीं बल्कि कठपुतली है, सीसीपी की विशेष कठपुतली। लैम हांगकांग में रहकर शुरू से ही लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध एजेंडा चलाती आई है। उन्होंने चुनाव में उन असंख्य लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवारों का करियर खत्म किया जो स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। जुलाई 2018 में तो लैम ने लोकतंत्र समर्थक हांगकांग नेशनल पार्टी को देशद्रोह के आरोपों के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया था। पिछले सालों के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के बाद नवम्बर में हुए चुनावों में कैरी लैम को बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा था। हांगकांग की लगभग 80% सीटों पर लोकतंत्र समर्थकों का कब्जा हो गया था, जिसके बाद कैरी लैम ने कई बड़े नेताओं को हिरासत में लेकर अपनी खींच दिखाई थी। इसी वर्ष अप्रैल में लैम प्रशासन ने मार्टिन ली, जिमी लाई और मार्गरेट एनजी को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया था। ये तीनों ही नाम लोकतंत्र समर्थकों के लिए बड़े नाम हैं। हांगकांग में जो कुछ भी किया जा रहा है वह नियमों के विरुद्ध है। चीन सिनो ब्रिटिश डिक्लेरेशन की खुली धज्जियां उड़ा रहा है और कैरी इस मामले में चीनी सरकार का भरपूर समर्थन कर रही है। दुनिया भर में कई देश हांगकांग को लेकर चीन द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों की निंदा कर रहे हैं। यहां तक कि वन चाइना पॉलिसी को कूड़े में फेंकते हुए भारत भी हांगकांग की स्थिति पर अपनी चुप्पी तोड़ चुका है और अपनी चिंता जता चुका है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव चंद्र ने कहा था, हम हाल की इन घटनाओं पर चिंता जताने वाले कई बयान सुन चुके हैं। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इन बातों का ध्यान रखेंगे और इसका उचित, गंभीर और निष्पक्ष समाधान करेंगे। ताइवान, यूके और यूएसए जैसे देश हांगकांगर्स के लिए शरण देने की व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि कैरी लैम का प्रशासन हांगकांग के अधिकांश लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें उड़ाने भरने से भी रोक रहा है। कैरी लैम का ये रवैया बेहद निंदनीय है। अगर वे एक नेता की तरह सीसीपी के दमनकारी रवैये का विरोध नहीं कर सकती तो उन्हें अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।